सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हमारे सप्लाई चैप्टर का पार्ट 4, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे डिटरमिनेंट्स होते हैं सप्लाई का, उसके क्या इफेक्ट पड़ता है सप्लाई के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं आईटी क्लासेस की 95 प्लस सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसा कि आज का टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं कि सप्लाई हमने पढ़ा था, अब सप्लाई के डिटरमिनेंट्स भी पढ़ा था और हमने साथ साथ पढ़ा था लॉ ऑफ सप्लाई मीन्स पूर्ति का नियम। सबसे पहले मैं आपको रिकॉल करा दूं पूर्ति का नियम क्या था, मींस लॉ ऑफ सप्लाई क्या था। वो कह रहा था व्हेन अदर फैक्टर क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, मतलब उनमें चेंजेस नहीं रहेंगे, इन दैट केस प्राइस इंक्रीज देन सप्लाई आल्सो इंक्रीज, व्हेन प्राइस डिक्रीज सप्लाई आल्सो डिक्रीज। मींस प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन होता है, जिसको हमने एक डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। ये मान लीजिए हमारा प्राइस हो गया और ये क्वांटिटी यहाँ पर शो कर रहे हैं, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस यहाँ पर क्या क्वांटिटी को शो करेंगे, और क्वांटिटी को हिंदी में कहते हैं मात्रा और प्राइस को कीमत। अब यहाँ पे ध्यान रखना, इसको एक सिंपल सा ऐसा डायग्राम बना लेते हैं, दिस इज पी एंड दिस इज क्यू, दिस इज ओ। व्हेन प्राइस इज ओ पी देन डिमांड इज ओ क्यू, सॉरी डिमांड इज सप्लाई, व्हेन प्राइस इज ओ पी देन सप्लाई इज ओ क्यू। अब होगा क्या, जब किसी भी चीज़ की प्राइस बढ़ेंगे, सप्लायर जो सामान बेच रहा है अगर उसके प्राइस बढ़ेंगे तो वो उसको क्या करेगा, ज़्यादा बेचने की कोशिश करेगा। क्यों रीज़न, उसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इन दैट केस जब प्राइस इंक्रीज हुआ तो उसने क्वांटिटी भी क्या कर दी, बढ़ा दी। अब देखो जरा यहाँ पर प्राइस ओपी था ना पहले, फिर हो गया ओपी वन। अब प्राइस बढ़ने से सप्लाई भी क्या हो गई, बढ़ गई, ओ क्यू से ओ क्यू वन हो गई। इन दैट केस सप्लाई कर कुछ जो बनता है वो इस तरह से बनता है, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि चलो हमें लॉ ऑफ सप्लाई का तो डायग्राम बनाना आ गया, लेकिन अगर डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई की बात करें तो उनका सप्लाई कर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई हमने डिस्कस किए थे, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, नंबर ऑफ द फार्म्स, गोल ऑफ द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ऑफ द फार्म्स और प्राइस ऑफ द इनपुट्स एंड गवर्नमेंट पॉलिसी, ये सारी चीज़ें। इन सबका डायग्राम कॉमन ही बनेगा, एक ही होगा। क्या देखिए, सबसे पहले उसमें आप एक वाई एक्सिस खींच लेना, एक एक्स एक्सिस खींच लेना, दिस इज प्राइस एंड दिस इज क्वांटिटी। अब इस प्राइस पे क्वांटिटी ये है पी और क्यू और ये जीरो, और ये हमारा एक सप्लाई कर्व है एस एस। ओपी प्राइस पे क्वांटिटी कितनी है, ओ क्यू, ठीक है, मीन सप्लाई ओ क्यू है। अब आप किसी का भी नाम ले लीजिए, मान लो नंबर ऑफ फर्म्स की बात करते हैं तो किसी भी चीज़ के समोसा ले लेते हैं, समोसे का प्राइस मान लेते हैं 10 रुपये है, ठीक है। अब अभी बेचने वाला उसे एक ही शॉप है मार्केट में, अब बेचने वाली 4 शॉप आ गई, तो होगा क्या, समोसे के प्राइस तो 4 ही रुपये थे लेकिन नंबर ऑफ सप्लाई समोसे की क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो इन दैट केस प्राइस सेम है लेकिन सप्लाई क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, जस्ट बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ने से। ये S1 बन गया Q1। ध्यान रखना प्राइस ओपी है लेकिन सप्लाई OQ से बढ़कर कितनी हो गई है, OQ1, जस्ट बिकॉज नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ गई। और मान लो लगा फर्मों को कि हमें लॉस हो रहा है तो वो छोड़ के चली जाएंगी, नंबर ऑफ फर्म्स कम हो जाए, इन दैट केस सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, OQ2, ठीक है। और ये रहा सप्लाई का S2, कम हो रही है तो इस तरफ और बढ़ रही है तो इस तरफ, जब बढ़ रही है तो राइटवर्ड शिफ्ट होगी और घट रही है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी, ठीक है। अब एक चीज आपको समझ आ रही होगी इसी से रिलेटेड, क्योंकि मैंने पहले भी डिस्कस करा हुआ है, ये गवर्नमेंट पॉलिसी पे भी अप्लाई हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा दे तो भैया तुम लोगों को बनाना महंगा पड़ेगा, तुम लोग सप्लायर हो तो तुम्हें क्या पड़ेगी, वो चीज़ बनानी महंगी, तो तुम सप्लाई क्या करोगे, कम। और अगर गवर्नमेंट सस्ता कर दे टैक्स तो तुम ज़्यादा बनाओगे। सेम डायग्राम यहाँ पे, बस नाम लिखना पड़ेगा क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्यों डिक्रीज हो रहा है। मान लो गोल ऑफ द फर्म, अगर उसका प्रॉफिट कमाना ऑब्जेक्टिव है तो इन दैट केस वो क्या होगा, ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। अगर उसका कमाना प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव नहीं है तो वो क्या करेगा, कम सप्लाई करेगा, ठीक है। ऐसे ही प्राइस ऑफ द इनपुट, अगर प्राइस ऑफ इनपुट बढ़ जाए, ये मेरा इनपुट है जिसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर ये महंगा हो जाए तो मैं मार्कर का यूज़ कम करूँगा तो उसकी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम बेसिकली। और अगर ये सस्ता हो जाए तो मैं इसकी सप्लाई क्या करूँगा, ज़्यादा यूज़ करूँगा, है ना। तो इनपुट के प्राइस से भी कहीं ना कहीं सप्लाई पर इफेक्ट पड़ता है। अब मैं क्यों बता रहा हूँ सारा कुछ, मैंने लॉ ऑफ सप्लाई बताया और यही बता दिया, क्योंकि यही एक डिफरेंस भी क्रिएट करता है, चेंज इन सप्लाई एंड चेंज इन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई। आप इसको बोल सकते हैं चेंज इन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, व्हेन सप्लाई चेंजेस जस्ट ड्यू टू चेंज इन प्राइस। दोबारा सुन लो, जब पूर्ति में परिवर्तन कीमत की वजह से आता है, जब पूर्ति में परिवर्तन कीमत की वजह से आता है
तो उसे बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन। और जब चेंज किसकी वजह से आता है, अदर फैक्टर की वजह से, डिटरमिनेंट्स की वजह से आता है, तो उसे बोलते हैं क्या, पूर्ति में परिवर्तन। अब मैंने आपको यही बताया था कि यहां पर जो बढ़ रहा है, बढ़ने को बोलते हैं एक्सटेंशन या एक्सपेंशन, आपकी बुक में जो दिया हो, और घटने को यहां क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, सॉरी यहां पे तो इंक्रीज बोलेंगे, वृद्धि, और घटने को, डिक्रीज को, कमी। लेकिन सेम चीज यहां पर बढ़ने को कहा जाता है, अगर ये क्वांटिटी वाला है, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है, और इसे बोलेंगे चेंज इन सप्लाई, ठीक है, पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन, पूर्ति में परिवर्तन। तो अगर यहां पे पूर्ति बढ़ रही है तो उसे एक्सटेंशन बोलते हैं, विस्तार, एक्सटेंशन, पूर्ति में विस्तार। और अगर घटती है तो घटने को बोलते हैं यहां पर कॉन्ट्रैक्शन, क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, हिंदी में कहते हैं संकुचन। और यहां पर जो परिवर्तन होता है ना दोनों में, चेंजेस, यहां पर चेंज को बोलते हैं इसमें क्या, मूवमेंट होना, मूवमेंट होना। लेकिन यहां पर चेंज को क्या बोलते हैं हम, शिफ्ट होना, अर्थात खिसकाव, जिसमें डायग्राम आपको यही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इनडायरेक्टली मैंने आपके दो क्वेश्चन प्रिपेयर कर दिए, एक क्वेश्चन क्या, पूर्ति में परिवर्तन तथा पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन, मींस चेंज इन सप्लाई, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई में डिफरेंस। और साथ ही मैंने एक और बता दिया कि डिटरमिनेंट्स का क्या इफेक्ट पड़ेगा, सप्लाई के डिटरमिनेंट्स का क्या इफेक्ट पड़ेगा पूर्ति पर, सप्लाई पर। तो सबके डायग्राम सेम बनेंगे, आप बुक में देख लेना, किसी में भी प्राइस में चेंजेस नहीं आता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, इससे लेट में अगर कोई भी जो आपके डाउट्स है वो कमेंट में लिख देना। साथ ही ई क्लास वालों को मैंने ग्रुप बन चुका है, उनका मैं बताना चाहूँगा, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आंसर है वो उस ग्रुप में आते रहेंगे, ठीक है। और जो लोग इंटरेस्टेड है ई क्लास के लिए वो मेल कर सकते हैं iatclasses@gmail.com पे, या आप नीचे इंटरेस्टेड लिख सकते हैं, आपको कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए थैंक यू नारायण, बाय बाय।